इसी साल के आखिरी में अक्टूबर और नवंबर के दौरान आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट यानी वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन होने जा रहा। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ही संभालने वाले हैं, क्योंकि यहां से उनके अलावा कोई अन्य विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन विश्व कप के बाद में भारतीय टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी कप्तानी करेगा, ये बड़ा सवाल है और सभी क्रिकेट फैंस इसके जवाब के इंतजार में भी हैं। वहीं अब हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने इस पर बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री का मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद रोहित शर्मा से वनडे और टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी तत्काल प्रभाव से छीन लेनी चाहिए और हार्दिक पांड्या जैसे युवा क्रिकेटर को दोनों फॉर्मेट में नियमित कप्तान घोषित कर देना चाहिए। बता दें कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के घटिया प्रदर्शन के बाद से हार्दिक पांड्या ही भारत की टी20 में कप्तानी कर रहे हैं। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का शरीर अब टेस्ट क्रिकेट का सामना नहीं कर पाएगा, ऐसे में वनडे विश्व कप के बाद उन्हें हमेशा के लिए सीमित ओवरों की कप्तानी संभालनी चाहिए। रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटर यूं ही हार्दिक पांड्या का नाम भारत के कप्तान के रूप में नहीं ले रहे, असल में उन्होंने उस तरह का काम भी किया है, तभी तो उनको भारत की टीम के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में ट्रॉफी दिलवाई थी और उसके बाद दूसरे सीजन में टीम को फाइनल तक भी पहुंचाया था। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम आज तक कोई भी सीरीज नहीं हारी है। उन्होंने टीम के लिए अभी तक 3 T20 सीरीज में कप्तानी की है और तीनों में ही उनका रिकॉर्ड क्लीन रहा है। वैसे हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।